The angular momentum of an electron moving in an orbit of the hydrogen atom is 1.h upon pi. L is given to us 1.5 h upon pi. The energy in the same orbit. अब पहले तो ऑर्बिट कौन सा है वो निकालो, यानी नंबर ऑफ लेवल निकालना है, एनर्जी लेवल. फिर आप फॉर्मूला लगाओगे E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखो हमें एन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि जेड की वैल्यू तो 1 हो गई हाइड्रोजन के लिए. एन निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाए. एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होती है या एम वी आर की वैल्यू क्या होती है, एन एच अपॉन 2 पाई. इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो हम क्या लिखेंगे, 1.5 h अपॉन पाई इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. h अपॉन पाई से h अपॉन पाई कैंसिल हो गया, n की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 3. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, एन स्क्वायर 3 9. तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, यहाँ पर माइनस भी आएगा. So right answer to this problem is option 1, that is -1.5 electron volt.